वेलकम टू द पॉलिसी टाइम्स। आज हमारे बीच मौजूद है सर, आपका नाम जानना चाहिए। अनवर उस्मानी नाम है मेरा। सर क्या हुआ था, आप कहाँ से हैं? नेटवर्क से। क्या हुआ था आपके साथ? नेटवर्क 20 दिसंबर को फ्राइडे का दिन था, प्रोटेस्ट होने का प्रोग्राम था नेटवर्क के अंदर, लेकिन शाम को दफ़ा 144 लगा दी गई। जब पुलिस को पता चला, दफ़ा 144 लगाने के बाद मस्जिदों के इमामों ने मना कर दिया कि कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा और पुलिस की तरफ से इजाज़त नहीं है। मेरा भांजा सुलेमान नमाज़ पढ़ने के लिए गया था, मस्जिद से निकला और मस्जिद से निकलने के बाद उसको कुछ लोगों ने, जो RSS के सिंपल ड्रेस में रहते हैं, पुलिस के साथ थे वो लोग, उन्होंने धक्का मुक्की करके अंदर को उसको ले गए गली में को और ले आके उसको गोली मार दी वहाँ पर। आप पुलिस पे FIR किए थे? पुलिस पे FIR किए हैं हम, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि SIT जांच चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है FIR की, अभी हमें कोई कॉपी नहीं दी गई। और पुलिस ने और क्या बोला, और क्या क्या उनका भूमिका है? देखिए, पुलिस की भूमिका तो ये रही, जब हम लोगों ने FIR करने की कोशिश की तो पुलिस ने हमें टारगेट करना बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने हमारी इंक्वायरी करनी शुरू कर दी कि इसके मामा कहाँ कहाँ रहते हैं, क्योंकि हमारी बहन कमज़ोर है और घर में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है और कोई बड़ा भी नहीं है। ये जो दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली में सही नहीं पूरा भारत में चल रहा है NRC NPR के लिए प्रोटेस्ट, ये इसमें पुलिस शुरू हुई थी जामिया से अत्याचार, जामिया फर्स्ट जामिया के स्टूडेंट के ऊपर, देन आया है भजनपुरा के, ये अब क्या बोलना चाहेंगे? पुलिस का भूमिका क्या सटीक से निभा रहे हैं? देखिए, पुलिस वाले पहले तो मीटिंग ले लेते हैं हर महल्ले की, ख़ास तौर से मुस्लिमों को बुला के समझाते हैं। मुस्लिम कह देते हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास कोई लीडर नहीं है, तो हम लड़ाई दंगा नहीं करेंगे, लिहाजा हमारी सेफ्टी की जाए। पुलिस हमसे हमारी सेफ्टी देने का हमसे वादा भी करती है, लेकिन जब ये बवाल करने वाले दंगाई लोग बाहर से आते हैं, जैसे हमारा क्षेत्र है नेहटौर, तो नेहटौर से दूसरे क्षेत्र के लोग आते हैं दंगा करने के लिए, फिर पुलिस उनके साथ हो जाती है और उनके साथ ही रह के वो पिस्टल भी लहराते हैं, गोलियां भी चलाते हैं, अधे पत्थर भी होते हैं पुलिस के साथ में, फिर पुलिस उनका पक्ष ले लेती है और उनके पक्ष लेने लेने में ही कुछ गोलियां उनसे चलवाती है, कुछ गोली पुलिस खुद चलाती है। मेरे भांजे को अनस को 9mm की गोली लगी है, 9mm का पिस्टल किसी के पास नहीं होता, पब्लिक के पास, तो पुलिस के पास होता है वो, और पुलिस ने एक्सेप्ट भी किया उसको कि हाँ, ये एक जो मृत्यु हुई है ये पुलिस की गोली से हुई है। बाद में फिर पुलिस ने उसमें ड्रामा बनाया, पुलिस ने अपनी तरफ से एक FIR दी, बोले एक दरोगा जी का पिस्टल छीन लिया था दंगाइयों ने और पिस्टल छीनने के बाद में उस पिस्टल से जो है गोली चली, दरोगा जी की पिस्टल से गोली चली। तो पहली बात तो ये है, 50-60 के झुंड में आती है पुलिस, 1, 2, 10, 20 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, किसी की ताकत नहीं है कोई पुलिस से पिस्टल छीन ले ऐसे मोमेंट पे। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर बाद में इन्होंने एक मजदूर आदमी को उठाया, मुस्लिम को, और उस लड़के को उठा के वो बिल्कुल ऐवे ही है, मतलब बिल्कुल जैसे कोई डैमेज ख़त्म चीज़ होती है, इस तरह के लड़के पे उन्होंने वो लगा दी कि इसने पिस्टल छीना था और इसने गोली चलाई है। तो पुलिस की भूमिका जो है ठीक नहीं है कुल मिला के आम जनता के लिए। और लास्टली, गवर्नमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ठीक है, गवर्नमेंट को हम मैसेज देना चाहते हैं, ये मुल्क हमारा है, आपका है, हम सबका है, पूरे हिंदुस्तानियों का है। हर आदमी ये कह देता है कि अभी दिल्ली में झगड़े हुए हैं कि मुसलमान इतने मारे गए, हिंदू इतने मारे गए। अरे भाई, मुसलमान हिंदू तो बाद में देखो, पहले हमारे हिंदुस्तानी इतने मारे गए, 42 मारे गए, वो पहले हिंदुस्तानी हैं। जिसका लाल मरता है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो अदरवाइज, वो जिसका मरता है उससे पूछो ना, उसका पूरा परिवार मर जाता है, मरने वाला तो मरता है, वो सबके आंखों में आंसू छोड़ जाता है, सारी अर्थव्यवस्था उसके घर की ख़राब हो जाती है, जान दोबारा नहीं आती, बहुत कीमती जान है जो ऊपर वाले ने हमें दी है। तो हम चैन अमन चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, जहाँ जहाँ भी ये लोग मरे कर्नाटक में और दिल्ली में, भाई हम हाथ जोड़ के सबसे अपील करना चाहते हैं, चैन अमन से रहने दिया जाए। यार, ये अब पहले दौर नहीं है कि किसी को भी मेजोरिटी को भगा दिया, किसी मेजोरिटी को मार दिया, बंद कर दिया, अब तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है और बहुत बड़ी तादाद में है, दलित भी बहुत बड़ी तादाद में है, सरदार भी बड़ी तादाद में है, मुस्लिम बड़ी कम्युनिटी है हिंदुस्तान के अंदर, तो आप ना तो भगा सकते हो, लेकिन एक मुल्क बहुत तेज़ी के साथ में बैक में जा रहा है हमारा, जो तरक्की हमारी होनी चाहिए वो तरक्की नहीं हो रही, नौकरियां हमारी जा रही हैं, फैक्ट्रियां हमारी बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है,
देश की जीडीपी भी गिर रही है, उस चीज़ पे तो कोई फोकस है नहीं, बस हिंदू मुस्लिम करा के जो है पता नहीं क्या करना चाह रहा है, हिंदू मुसलमान से नहीं लड़ना चाह रहा, मुसलमान हिंदू से नहीं लड़ना चाह रहा है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी कोशिश कर रही है कि लड़ो लड़ो, लड़ने से भाई तुम्हारा क्या मुफाद हो रहा है, कौन सी तरक्की देना चाह रहे हो आप, कौन सा मुल्क बनाना चाह रहा हो, कहाँ बांट रहा हो इसको, क्यों बांट रहा हो इसको, और हमारे पूर्वजों ने तो कुर्बानी दी है इसके लिए, हम तो सेकुलर लोग हैं, सेकुलर मुल्क में रुके हैं हम, एक माइनॉरिटी में रहने वाले नहीं हैं, हम ना हिंदू माइनॉरिटी में रहने वाले हैं ना मुस्लिम माइनॉरिटी में रहने वाले हैं, सेकुलर जगह पर रहना चाहते हैं, सेकुलर जगह पर हम रह रहे हैं, और प्रोटेस्ट करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमसे छीना जा रहा है, जहाँ भी बैठते हैं मार पीट, पुलिस को गुंडेगर्दी करना, ये सारी चीज़ें ठीक थोड़ी होती है, हर ये संवैधानिक अधिकार है, अगर कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही तो हम उसका विरोध करें, और विरोध करने से ही मुल्क के सिस्टम से ही बनता है, तो ये सारे अधिकार छीनने जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है हमारे मुल्क। धन्यवाद सर। कैमरा में आसिफ के साथ समय था द पॉलिसी टाइम्स।